दोस्तों, तो वैसे मैं टेक्नो गेमर के ऊपर वीडियो बनाता नहीं हूँ, तो ये मेरा उज्ज्वल के ऊपर पहला और शायद आखिरी वीडियो होगा। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने टेक्नो गेमर के चैनल के ऊपर 20 मिलियन स्पेशल वीडियो से रिलेटेड कुछ कमेंट्स पढ़े और वो कमेंट्स मुझको काफ़ी बेकार लगे। कुछ आदमी अनसब्सक्राइब करने की धमकी दे रहे थे, जो कि नॉर्मल है, पर कुछ बोल रहे थे कि तू मतलब ये है, तू घटिया है, तूने हमारा इस्तेमाल किया, तू ये है, तू वो है और भी बहुत कुछ। तो पहले बात करते हैं कि उसके 20 मिलियन स्पेशल वीडियो में क्या होगा। तो उसके उज्ज्वल चैनल पे उसने एक लाइव स्ट्रीम के दौरान बताया था कि वो माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ कर रहा है, कुछ बहुत बड़ा, और उसने आगे बोला था कि ये शायद अभी तक किसी ने किया नहीं होगा, और अगर किया भी होगा तो इतने बड़े लेवल पर नहीं किया होगा, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं। तो ये उज्ज्वल के खुद के शब्द थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो माइनक्राफ्ट के अंदर कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा है, वो कैसा भी और किसी भी तरह का हो सकता है और कुछ भी, और वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा है तो उसमें टाइम डेफिनेटली लगेगा, और बहुत ज़्यादा टाइम, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मेहनत। मैटर ही करता है कि स्ट्रक्चर कितना बड़ा होगा और वो किस चीज़ को बना रहा है। तो जो भी वो बना रहा है उसको बनाने में 3 से 6 महीने तो लगेंगे ही, और मैं कम से कम बोल रहा हूँ। तो हो सकता है कि उसका स्पेशल वीडियो मेरे इस वीडियो के 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते बाद आ जाए, पर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अभी भी 3 से 4 महीने का फौर इंतज़ार करो, इतना तो करना ही चाहिए। उसको स्ट्रक्चर को अच्छी तरह बनाने दो, उसको कंप्लीट करने दो। अगर आप लोग उस पर ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो हो सकता है कि वो अपना आधा अधूरा स्ट्रक्चर ही आप लोगों के सामने रख दे। तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि वो वीडियो बनाने के बाद उसको अपलोड ही नहीं करेगा या उसको नेटफ्लिक्स या सिनेमा हॉल वालों को दे देगा। वीडियो बनाते ही वो वीडियो को तुरंत अपलोड करेगा, तो उस पर विश्वास रखिए। और वो जो भी बना रहा है उसको शांति से बनाने दीजिए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे मैं गेम्स का गेम प्ले करता हूँ, उनको देखिए, और अगर कोई अच्छा लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, अपना ख्याल रखना।